तो ठीक है भाई लोगों, अभी मैं तो ठीक है भाई लोगों, अभी हम लोग सो जाएंगे थोड़ी देर में। और बाकी आज का तो दिन हो गया, बीत गया, ख़राब ही था। चलो आई होप कल का दिन अच्छा रहे, और विश विश अस लक। हम कोशिश करेंगे कल अच्छी वीडियोस बनाए आपके लिए इसी कैमरा से, मोबाइल के कैमरा से, बिकॉज जो DJI ओजमो एक्शन कैमरा है उसका जो मेमोरी कार्ड है नहीं अभी, उसको मंगवाया है तो परसों तक आएगा। तो तब तक तो जो स्टेबलाइजेशन इतना बढ़िया नहीं होगा तो आप प्लीज़ जो है एडजस्ट कर लेना। ओके, सो लेट्स गो एंड लेट्स मीट टुमारो मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? तो मस्त हो? हम भी मस्त है। कल का दिन गया, आज का दिन आया, नया दिन नया शुरुआत। और अभी बज रहे हैं 9 और हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। यार आज भी सोचा था 6 बजे उठेंगे, बट यार उठा नहीं जाता, वो होता नहीं है, ये काम नहीं होता। कुछ भी कर लो, जो सोचते हैं जो प्लान बनाते वो तो होता ही नहीं है, हमेशा ख़राब हो जाता हमारा प्लान, इसलिए हम प्लान बनाना ही छोड़ दिया। अब हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद फिर प्लान तो क्या बोलूँ, बस जाएंगे अंजुना बीच। तो फिर देखो हमारे दोस्त को, ये देखो बेचारा उदास है एकदम कल की बात को लेके, बट क्या करे, एक्सपीरियंस है, ये तो लाइफ है ना। तो गाइस अभी हमें मिला है पोहा, हमने अच्छा हुआ हमने सोचा आज पूरी या फिर आलू पराठा मिलेगा, एटलीस्ट उन दोनों से थोड़ी हेल्दी तो है। कैसा लगा खाने में? अभी खाएगा, खाओ फिर। अभी मिला रहा था नींबू और प्याज व्याज। उदास मत हो यार बाई चांस। नहीं नहीं उदास नहीं है, थोड़ा सा हेडेक हो रहा था, पता नहीं किससे घूम रहा है। किस लिए पता नहीं, मेरे को बताता तो मैं तेरे को जरूर बताता। अच्छा चलो ठीक है भाई, हम लोग खा रहे हैं फिर जाएंगे अंजुना भी। इधर ही चल, लेफ्ट साइड। ये हमारी स्कूटी रोक दी हमने और अब हम जाएंगे वेगेटर बीच। वाह, तो ये है भाई लोगों वेगेटर बीच। काफ़ी सफ़र के बाद आए, हमने सोचा पास में ही होगा, लेकिन नहीं, पास में नहीं था, दूर है। और ये हम आ गए हैं बीच पे, वो देखो वहाँ पर है शिव का, जो शिव किले हम आए ना, जिस शिव किले जो फेस है शिव जी का, वो एक तरफ का जुआ है। तो गाइज अभी हम आ चुके हैं वेगटर बीच में, पीछे है ना जुआ वाला गेम खेल रहे थे भाई, क्या लूटा एक बंदे को, मतलब उसने 500 रुपये डाला, 2000 जीता, और वो 2000 दिया नहीं, बोला कि और खेलो आप और जीतोगे। उस बंदे ने क्या किया, 2000 डाल दिया, 2000 फिर वापस जीता 4000। उस बंदे ने बोला कि जो मतलब मालिक है जो करता है, वो बोला यार 4000 लगाओ और जीतोगे। उसने जैसे 4000 लगाया सारा गया, क्या दिमाग था यार उस बंदे का, मतलब जो गेम खिलवा रहा है, लूट लिया उसने। ऐसी सब बहुत लोगों का लूटते हैं वो, हमें तो इससे थोड़ा सा बच के रहना है ना। अभी हम लोग जा रहे हैं फेस देखने, उस साइड आगे साइड, ओए इस साइड नहीं, इस साइड है वो लगा हुआ है ना, यहाँ से चलो। अब हम यहाँ से जा रहे हैं और गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं आगे की तरफ, वो आगे यार कितना दूर है जो एक एक चीज़ को देखने के लिए इतना दूर। गाइस अभी मैं हम आ चुके हैं, बहुत दूर है शिव जी, बहुत दूर है, वही है ना, हाँ वो आगे की तरफ है। तो ये नहीं है जो उसके आगे, वो जो दिख रहा है ना पीछे इधर, वो ब्लू ब्लू दिख रहा है ना,
सामने की तरफ ब्लू, वो क्या बोलते हैं उसे, घर जैसा, इतना दूर? हाँ वहाँ जाना पड़ेगा। चलो चलो चलो, उसके बाद यहाँ देखो ये बीच बिल्कुल शांत है, यहाँ चाहे तो नहा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी वेगाटोर बीच ही है, ठीक है। तो बताओ कैसा फील हो रहा भाई? बस मंदिर देखने जा रहे हैं। मंदिर नहीं है, वो शिव का फेस है, फेस। हाँ, शिव फेस। हमारे यूपी वाले भाई बहुत ज़्यादा गर्म हो रहे हैं अभी, कभी मंदिर बोलते हैं, कभी भगवान बोलते हैं, कभी पता नहीं क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, लेकिन फेस है, फेस है ना, फेस है। तो अब नहाओगे नहीं आप? यार आप तो नहाना चाहिए यार। हाँ बेचारा परेशान हो गया आज का दिन। अब मान लिया भाई, रहने रहने कंट्रोल, बेचारा बहुत परेशान हो गया। मैंने बोला कि मैंने बहुत अच्छा मतलब रोमांटिक पल बिताया अपने गर्लफ्रेंड के साथ, तो बोलता है झूठ बोल रहा है। तो मैंने बोला नहीं सच बोल रहा, तो बोलता है ठीक है तूने ये किया वो किया, हर जगह मतलब जो चीज़ नहीं हो सकता वो भी मान रहा है बेचारा, है ना। नहीं नहीं तूने किया है वो, मैं मान नहीं रहा हूँ तूने किया है। चलो ठीक है मैंने किया है, मैंने सब बहुत इन्जॉय किया, ठीक है। बेचारा गर्म हो गया शरीर, है ना, पसीने आ रहे हैं। मैंने उसको शरीर गर्म से कोई दिक्कत नहीं है, तो दिमाग गर्म कर रहा है, बहुत दिक्कत है बस। बेचारे ने पानी बहुत ज़्यादा पी लिया, पसीना आ रहा अभी इस बेचारे का, इसलिए बेचारा थोड़ा टेंशन में है कि कैसे बचाया जाए, है ना। नहीं कैसे, तेरा मुंह बंद किया जाए, बस बंद हो गया। बोल क्या बोल रहा था? मैंने बोला भाई ये इधर है, तो वो बोलता है इधर का, इधर नहीं है। मैंने बोला फिर आगे है, बोलता है क्या बोला तूने? पहाड़ पार कर लूंगा लेकिन अब तो देख के जाऊंगा। नहीं तो मैं गए काम से। ये तो भैंचो तेरा मुंह ऐसे जमीन पे छप और फेस बनेगा ना, तो मेरा फेस देख लेना। वो देख, वो जो है ना वहाँ वहाँ है। चलो दिख रहा है ना, लैंड दिख रहा है कुछ भी। चल ठीक है ठीक है, आगे चलो देखते हैं। ये वेगाटोर बीच के सामने वाला कॉटेजेस है, कितने ब्यूटीफुल, अगर आप चाहो तो रह सकते हो। ऐसे बहुत सारे कॉटेजेस है, वो देखो वहाँ भी है। बेचारा बहुत खुश हो रहा है कि वो देखो फॉरनर कोई बिकनी में है, पहली बार देखा इतने टाइम में। ठीक है तो ये भाई बहुत खुश है। बेटा लार तो तुम्हारी टपक, मेरी नहीं टपक की, मैं ऐसी चीज़ें नहीं देखता। एकदम शरीफ बंदे हैं हम, ऐसे काम बिल्कुल नहीं करते। तुम करते हो? डूबने लग जाएगी तो मैं जाऊंगा बचाने। हाँ हाँ, ये जाएगा बचाने उस फॉरनर को, अगर चाटा मारेगी ना भगा देगी वो यहाँ से। बेटा डूबता हुआ इंसान को तिनके का सारा काफी होता है। हाँ चलो ठीक है ठीक, हम भी आएंगे आपका, हम आपको बचाएंगे। नहीं 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 नहीं, तुम वीडियो बनाओ बस। ठीक है, अभी हम आ चुके हैं और ये है शिव जी का फेस, ये देखो यहाँ की। हे प्रभु शिव जी माफ करना, इन्होंने ये बात बोली है। ये देखो फ्रेंड्स चप्पल पहन के आओ, आशीर्वाद लो यार, ले लेंगे हम। देखो ये है भाई शिव जी का फेस, जगतर बीच है, और ये अभी से ही बिल्कुल एकदम नेचुरल बना हुआ है, कोई इसको बनाया नहीं, सिर्फ अपने आप बना, इसलिए बहुत ज्यादा फेमस है ना। गाइस इसने क्या बोला, यहाँ तक आने का सफल हुआ, राइट, प्रभु के पास आने के बाद तो सफल हो गई सच में। अब तुम्हें फॉरनर मिलेगी, डेफिनेट मिलेगी। तुम रखो अपने, नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, तुम रखो यार, तुम्हारे मन में चीज़ है। अरे तुम्हारे मन में था, तुम ही तो बोल रहे थे कि वो जा रही है भैया, बचा लो जाके, तुम बोल रहे हो सही। तो अभी भगवान है, उनसे मान ले, दे देंगे इतने दूर से, पैसे नहीं जरूरत है। चलो कोई बात नहीं, तो अच्छा लग रहा है अब? अब लग रहा है ना कि गोवा आने का सफल बात हो गई, क्योंकि अब गर्लफ्रेंड तो है नहीं, है ना, इसी से सफल मान। अब हम इस पहाड़ में जा रहे हैं ऊपर, यहाँ इस रास्ते फोटोशूट के लिए, तो भाई हालत तो ख़राब होने वाली है। तो गाइस हम लोग पहुँच गए हैं एकदम पहाड़ के ऊपर, तो ऐसा लग रहा है जैसे इस पहाड़ के राजा होंगे। तो पीछे गाय भी है, वो भी हमारी गौ माता, तो काफ़ी बढ़िया है यार, काफ़ी अच्छे फोटोज लिए यहाँ से, इतना खूबसूरत है व्यू, मजा आ गया ना। देखो यार क्या व्यू है यार, सूरज भी ऊपर चमक रहा है, देखा है? हाँ ये सूरज, और ये है भाई गोमाता। गाइस अब हम जा रहे हैं मोरजिम बीच, बेचारा थक गया है, देखो इसके आंखों में आंसू आ रहे हैं। Thank you.
देर बाद मोरजिम के पास आ गए हैं लगभग, और अब यहाँ पर रुके हैं गन्ने का जूस पीने के लिए। इतनी देर से मिल ही नहीं रहा था कोई, गूगल पे वाला अब मिल गया। ये बेचा एकदम सूखा प्यासा मरेला चूहा बैठा है पीछे, हैं भाई? बहुत यार गर्मी। थोड़े मोरजिम के लिए अभी हम जाने वाले हैं थोड़ी देर में। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ज़्यादा 20 रुपये का पता नहीं। सुपर। नहीं नहीं हाँ राइट श्योर। अभी हम पहुंच चुके हैं मोरजिम, और बता कैसा लग रहा है ये जगह? अच्छा है ना, कलंगट से तो बढ़िया बढ़िया वहाँ से। पहुंच गए हैं मोरजिम बीच के पास। हाँ रुको, पे करना पड़ता है पार्किंग के लिए, ये थोड़ी दिक्कत है गोवा में। अब वो पार्क रखो जहाँ करोगे बीच में, मैक्सिमम जगह पे करना पड़ता है। रेगाटोर में पे करने की ज़रूरत ही पड़ी हमें, बट अंजुना में पे करने की ज़रूरत पड़ी। कैलंगेट में अगर मेन बीच साइड जाओगे तो पे करने की ज़रूरत पड़ी। तो ये है सिस्टम। अभी आ रहे हैं यहाँ से बीच की तरफ। पहले ये नहीं था रिजॉर्ट, अभी बनाया जस्ट रिजॉर्ट नहीं मतलब कॉटेजेस। और ये बीच आ गए हम। हाँ तो अभी तो बोल रहा हूँ, हम लोग को कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला यहाँ पर। अच्छा कम ऑन, वाह बिल्कुल एकदम खाली है बीच, कोई नहीं डिस्टर्ब कर रहा है, मस्त बीच है। कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा हमें, चले 1% लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और आपका बीच आ गया, आपका भाई आ गया मोरजिम बीच में। ये देखो एकदम खाली है, एकदम खाली, ओनली मी एंड डीजे इन द बीच। दिस इज आवर बीच, वी आर द किंग ऑफ द बीच। कोई नहीं है, कोई नहीं है, लगभग कोई नहीं है, मतलब बीच पे जो नहा रहा है। वी आर द किंग ऑफ द बीच, यू नो वी आर द किंग ऑफ द बीच कह सकते हैं, क्योंकि अभी कोई नहीं है। ये देखो कितना खूबसूरत बीच है यार, मोरजिम बीच। ये क्या है, यहाँ पर बोलते हैं ऐसे कि रशियन कम्युनिटी रहते हैं यहाँ पर, और इसलिए थोड़ा क्लीन रहता है, और ज़्यादा इंडियंस इतना नहीं आते हैं एज़ कम्पेयर टू अनदर बीचेस। गाइस सही बता रहा हूँ, इतना अच्छा लग रहा है, कोई नहीं है, सिर्फ हम लोग हैं इस बीच में। ये बहुत अच्छी बात है, ये देखो कोई नहीं है, हम ही लोग हैं। दिस इज़ द बेस्ट थिंग ऑफ ऑफ दिस बीच। ये देखो भाई लोगों, मेरा भाई दोस्त फोटो ले रहा है। आपके भाई लोगों ने, भाई ने भी बहुत एंजॉय किया, एकदम मस्त एंजॉय किया यार भाई ने, और बहुत मज़ा आया मेरे को, मज़ा आ गया भाई ने। अपना भाई जिंदाबाद। चट्टी में उसको शर्म आती है वीडियो बनाने, क्योंकि टोन थोड़ी बाहर है ना इसलिए।
देखो जो आपको दिख रहा है सामने, चार्ली चैपलिन पेट को छुपाते हुए चड्डी धोने जा रहे हैं। ये देखो भाई चड्डी धो रहे हैं। अरे घर में, मेरे घर में काम वाली भाई बन जा भाई। वाह क्या दुआ भाई, महीने का 250 रुपये दूंगा। पेट दिखा भाई। अरे वाह, ये तो वो क्या नाम है उनका, सुमित क्या नाम है यार, अबे जो बीकानेर के। मैंने बीच पे जाके आ गया हूँ, वो देख मुँह पूरा थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, बहुत ज़्यादा सा वो हो गया सन मुँह पे। एनीवे नहा लिया, मज़ा आ गया, बार बार थोड़ी नहा रहे। तो हम जाएंगे अब अरम्बूल की तरफ। उफ, मज़ा आ गया लेकिन कुछ भी को। पहले देखते हैं अगर कोई रेस्टोरेंट मिल गया तो रेस्टोरेंट चलेंगे, थोड़ा सा भूख लगी तो खाना खा लेंगे, देखते क्या होता है। प्लान बनाते वो होता नहीं, इसलिए हम प्लान नहीं बनाते। पिछली बार उसी रिजॉर्ट में रुका था और रिट्रीट म्यूजियम, लो भाई बीच पहुंच गए हैं। अब हम दिखाते हैं आपको अरम्बोल बीच, बहुत पॉपुलर है नॉर्थ में।